अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की ये वीडियो राजपूत शलवार की कटिंग स्टिचिंग के बारे में है। हमारे व्यूवर्स हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें राजपूत शलवार की कटिंग स्टिचिंग बताई जाए। तो व्यूवर्स, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत इजी है। जैसा कि एक आम शलवार की कटिंग होती है, सेम वही ट्रिक है, सिर्फ इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा होती है आम शलवार की निस्बत। ऊपर बेल्ट में कपड़े को समेट दिया जाता है और नीचे बॉर्डर सा लगाकर, यानी कि आप बॉर्डर भी लगा सकती हैं, कफ भी लगा सकती हैं, नीचे की साइड पाइपिंग भी लगा सकती हैं कपड़े को समेट कर, क्योंकि पाइचे की फिटिंग करनी होती है और पाइचा फिट अच्छा लगता है। राजपूत शलवार बहुत इजी है, सिर्फ इसकी फ्लेयर को बहुत ज़्यादा बना लें। ऊपर के बेल्ट में कपड़े को देखें, जैसे प्लेट्स एक साइड से दाई तरफ और बाई तरफ आप प्लेट्स देती रहें, जैसे कि धोती शलवार में देती हैं। दूसरी, आपको ये पिक से अंदाज़ा हो गया होगा कि नीचे की तरफ कपड़े को किस तरीके से समेटा जाता है। मैंने आज अपने व्यूवर्स को पिक्स के जरिए कटिंग और स्टिचिंग समझाई है कि आप जितनी भी लेंथ विड्थ लेनी हो अपनी शलवार की, 4 या 5 इंच छोटी ले लें, यानी कि नीचे बेल्ट लगाने के लिए और ऊपर जितना आपने बेल्ट लगाना उसकी आपने उतना कम कर देना फैब्रिक, यानी कि ऊपर का बेल्ट का हिस्सा और नीचे का जो बॉर्डर है वो कम कर कर आप तमाम फैब्रिक के घूम रेडी कर लें। उसके बाद जितना आपकी वेस्ट हो बेल्ट की उसको रेडी करें, उसमें तमाम फैब्रिक को समेट दें, प्लेट्स को दाई साइड और बाई साइड, जैसे धोती शलवार में समेटा जाता है कपड़े को। ये आम सी शलवार है, बहुत सादा है, जैसा कि इस पिक्स में भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ऊपर की तरफ प्लेट्स को देखकर पिक से भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है, और नीचे की तरफ आप कपड़े को हाथ की मदद से, यानी कि जिस तरह हम चुन्नट को मशीन में देते हैं हाथ से ऊपर कर कर कर, आप उस तरह कपड़े को समेट कर इस कपड़े की समोकिन टाइप की नीचे की तैयारी कर सकती हैं। ये बहुत प्यारी लग रही है, इस तरीके से आप डोरी वाली इलास्टिक से भी बना सकती हैं, पहनने में बहुत आसानी होगी। नीचे का पाइचा आपका बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा, क्योंकि जब इलास्टिक डली होती है तो हमें पहनने में ईजी रहता है। ये आप थ्रेड से भी बना सकती हैं समोकिन, और डोरी वाली इलास्टिक से भी। तो वीवर, आज मैंने आपको इस पिक्स के जरिए राजपूत शलवार की ट्रिक बताई है कि मैं राजपूत शलवार को इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हूँ आम शलवार की तरह। ये देखिए व्यूवर्स, आपको नज़र आ रहा होगा एक आम शलवार है, इसमें सिर्फ पांचों की ट्रिक है। ऊपर आप देख रहे हैं बेल्ट में जितना ज़्यादा कपड़ा सिमटा होगा उतना ही प्यारा लगेगा, और नीचे से पांचे को आप टाइट कर लें। वो आपकी मर्जी, आप पाइपिंग लगाना चाहती हैं, कफ लगाना चाहती हैं, समोकिन बनाना चाहती हैं, जो ट्रिक आपको अच्छी लगे व्यूवर्स आप वो बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा, आइंदा मैं और इस टाइप की आपके लिए वीडियो रेडी करूँगी। और व्यूवर्स, मेरे न्यू चैनल फैशन कंसल्टेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मेरा न्यू चैनल है सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए डिज़ाइनिंग का। ओके, अल्लाह।